Hello students, welcome to CCA Defence Academy Ringas. This is Pradeep Saini, your physics tutor. जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमने फिनिश किया, डायमेंशन वाला टॉपिक था हमारा, वो हमने फिनिश कर दिया है. और आज हम टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, कंप्लीट फिजिक्स में काम में आता है, बट उन माइनर मिस्टेक्स के कारण हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं. बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं, हम उनके मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करना होता है ऐड करते हैं, जितनी भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें जब लास्ट में जब आप आंसर लिखते हो वो आंसर मैच नहीं होता है. ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू कैसे लिखते हैं, उस टाइप की चीजों को समझने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सार्थक अंक क्या होते हैं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का या सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मीनिंग क्या है उसका, उसको हम देखते हैं. देखिए फिजिक्स में हमें क्या करना होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक्सपेरिमेंट हम लोग जब करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू को मेजर करके हम लोग सामने लेके आते हैं कि ये वैल्यू हमने बाई एक्सपेरिमेंट मेजर की है, राइट. तो सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये बताता है कि जो आपने वैल्यू मेजर की है ये इस वैल्यू के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, इस वैल्यू के लिए आप कितने श्योर हैं कि वैल्यू एग्जैक्ट राइट है. जैसे मैंने बोला 200, एक तो हम ये बोलते हैं कि यहां से जो डिस्टेंस है 200 है, राइट. एक हम ये बोलते हैं 200.0 विच इज मोर एक्यूरेट, राइट. इसमें हो सकता है कि 200 उसमें 10% प्लस माइनस हो सकता है कि जो है 210 होगा क्या पता, 200 190 हो सकता है क्या पता. यहां वी आर नॉट कंप्लीटली श्योर इन दिस, बट हियर वी आर कंप्लीटली श्योर कि वो 200 ही है, राइट. तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो हमें बताएंगे कि पॉइंट्स के आगे कितना लिखना है या इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, जो काम की चीजें होती हैं, राइट. इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. चाहे आप लेंथ मेजर करो चाहे वेलोसिटी मेजर करो, वो फिजिकल क्वांटिटी है. टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस. दूसरा ये है, जितनी ज्यादा हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होता है. उतना ज्यादा रिजल्ट क्या होता है, एक्यूरेट होता है. इसमें हमारे पास कौन सा रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है, तो दिस वन, ये ज्यादा एक्यूरेट है. इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6. अभी मैं रूल बताऊंगा इसके लिए, बता रहा हूं अभी, यहां 6 है, ठीक है ना. तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये मीनिंग हम लोग यहां समझने वाले हैं, क्लियर. तो इसके लिए कुछ नियम कानून कायदे हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम लोग कैसे काउंट करते हैं. तो उसके नियम कानून कायदे क्या है उसको समझिए. पहला इसका नियम देखिए क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सभी अशून्य संख्याएं क्या होती हैं, सार्थक होती है. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट मतलब ये हुआ, इसके एग्जांपल्स के थ्रू से आप इसको समझे. देखिए यही लिख लेना इसके आगे, मैं लिखा 1112, राइट. ये सभी नॉन जीरो वैल्यूज है, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो हमने बोला ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, इसका मतलब 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. कुछ भी लिखा हमने 3 4 1, इसमें कितने हैं, तो आंसर है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, राइट. मैंने लिखा 200, ठीक है ना, अभी जीरो वाला बाद में बताऊंगा. तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है. तो ये बड़ा सिंपल सा है सिग्निफिकेंट डिजिट में. सेकंड थिंग क्या है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ध्यान देना, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, या मैं इसके साथ में एक लाइन और लिख रहा हूं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर, राइट. तो उनके बीच में जो भी जीरो होगा
ठीक है, जिसको हम ट्रैप्ड बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो डिजिट्स क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ, एग्जांपल से चीज समझ में आएगी आपको। देखो क्या मैंने लिखा, 1204, 1204। अब ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है हमें ये रूल पता होना चाहिए। नियम टू क्या कहता है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, इसके इधर क्या है नॉन जीरो वैल्यू, इसके इधर भी क्या है नॉन जीरो वैल्यू। अगर इधर जीरो भी होता और अगर वो सिग्निफिकेंट होता तो मैं इसके साथ में लिख रखा है यहाँ पे कि या तो नॉन जीरो डिजिट्स हो या फिर क्या हो, सिग्निफिकेंट फिगर हो। क्या हो, सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो हो या फिर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो हो तो उसको क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर है, तो मैं इस पर से लिख सकता हूं, मान लो 3000.04, 3000.04, राइट। अब इसको अगर हम देखें, ये क्या है, सिग्निफिकेंट, ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। या मैं बोलूं कि दोनों कैसे हैं, नॉन जीरो, इनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कितने इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर है, ये सेकंड रूल आपका क्लियर हो गया। नंबर 3, इनिशियल और कुछ बुक्स में आपको लीडिंग मिलेगा, इनिशियल या फिर लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। यानी हम कोई भी जो है नंबर लिख रहे हैं उसमें जो लेफ्ट साइड की तरफ होगा पहले जो लिखा जाएगा इनिशियल, है ना, डिजिट से पहले, वो क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा 0004, How many significant figure in this number? तो our answer is 1 significant figure. Because इससे पहले वाले zeros को हम लोग significant नहीं मानते, right? हम इसको ऐसे ले सकते हैं 0.0052, 0.0052. इसमें क्या होगा? इसके अंदर ये जो initial हैं, ये जो initial हैं, इनको हम क्या नहीं मानेंगे? सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो यहां 1 और 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, नंबर हो गए, ठीक है। ये होता है इनिशियल लीडिंग जीरोस की बात। इसकी बात करो ट्रेलिंग की, ट्रेलिंग जीरोस जो बाद में आते हैं आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ये पहले की बात है। इसका अगर आप एग्जांपल लेते हो, ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी नंबर में जो बाद में जीरो आता है, जैसे हमें एग्जांपल 200 का ले रहे थे, ठीक है ना, तो अगर हम 200 का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें बाद में जीरो कितने आ रहे, 2, ठीक है, तो इनको क्या मानना है, सिग्निफिकेंट। तो 1 तो ये था ही, 1, 2, 3, इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर है। इसके बाद आपने लिखा, जैसे मान लो यहां से, जैसे मैंने लिखा था स्टार्टिंग में दिस वन, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो आता है तब उसको काम में लेते हैं, तो मैंने लिखा 2.00 0, ये बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आंसर है 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि ये एक्यूरेसी बता रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें कितने आएंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना, तो इस टाइप से ये वाला रूल काम करेगा। अब देखिए फिजिक्स में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट, यानी जो पावर्स होती हैं उनको हम कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं मानते। जैसे हमने लिखा यहां पे
2 × 10^2 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो आंसर है, ये तो क्या आ गई पावर, ठीक है ना। अगर ये पावर आ गई तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होगा? 1। कौन सा वाला? ये, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ऑर्डर अगर सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है, मैंने लिख दिया मीटर, 2 × 10^2 मीटर, क्लियर है। अब इसमें ऑर्डर सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको कभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं मानते, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमारे सामने आती है, अगर हम इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं मानते हैं तो इसको जब हम यूनिट चेंज करते हैं, ध्यान देना, यूनिट चेंज करते हैं, यहां से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को हम दूर करते हैं। देखो, आपने लिख रखा 2 × 10^2 मीटर में, राइट, इसको आप लिखोगे 2 × 10^4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर कितना हुआ? 10^2 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ? 10^4 सेंटीमीटर, क्लियर हो गई बात। क्या ऐसा लिखने से ये चेंज हो जाएगा? आंसर नहीं, ये भी उतनी डिस्टेंस है जितनी ये डिस्टेंस है, और बल्कि यूनिट क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होते हैं और होने भी नहीं चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर कितना है? 2। इसका ऑर्डर कितना है? 4। ऑर्डर जो होता है वो क्या नहीं होता है? सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना था? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें भी कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अपने आप चेंज करने के बाद कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। समझ आया? ठीक है ना, ऐसे ये हो सकता है, क्लियर है। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स के निकालने के रूल्स, क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं राउंड ऑफ वैल्यू, इसको आप फटाफट लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। तो अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ वैल्यूज। राउंडिंग ऑफ वैल्यूज हम लोग कैसे समझते हैं? हमने जो भी सॉल्यूशन किया है किसी भी एक्सपेरिमेंट में और जो हमारे पास रिजल्ट आया है, उसको राउंड ऑफ कैसे करें? अप्रोक्स जो वैल्यूज आप लिखते हैं उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, रूल्स को किसी एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं, जिससे एक एग्जांपल हो जाएगा और आप रूल को बड़ा आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन ये है कि राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको क्या करना है? ये जितने भी लिखे हुए हैं इन सबको 2 सिग्निफिकेंट तक ही लिखना है, ठीक है, उसको हम राउंड ऑफ बोल देंगे। अब राउंड ऑफ के रूल्स क्या है, जरा देखो, देखिए रूल्स को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4.73, कुछ भी लिखा है हमारे पास 4.73, कितने सिग्निफिकेंट देखने हैं? 2। 2 का मतलब एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, यही तक लिखना है, मतलब हटाना किसको है? 3 को। तो जिसको हटाना होता है उसको देखिए कि वो लेस देन 5 है या फिर ग्रेटर देन 5 है, राइट। तो यहां 3 क्या है? यहां 3 है लेस देन 5, 3 क्या है? लेस देन 5, राइट। अगर 3 लेस देन 5 है तो उस वाले केस के अंदर ये जो आपका 7 होगा वो चेंज होगा या नहीं होगा, इस चीज को आपको समझना है। पहले तो आप खुद दिमाग लगा के देखिए मैथ्स के अकॉर्डिंग कि ये 7 होगा या फिर नहीं होगा या फिर चेंज होगा, सोचिए मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर ये 3 लेस देन 5 है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, मतलब आपका जो आंसर आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है 4.7। अगर लेस देन 5 है तो 4.7, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो 73 हो गया, ये कितना हो गया? 73। किसके ज्यादा पास में? 80 के पास में, 70 के पास में, 70 के पास में, इसलिए बोला मैथ्स के अकॉर्डिंग आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो 4.73 में हमने 3 को हटाया तो कितने डिजिट्स में रह गया? 4.7, ये रूल फर्स्ट। सेकंड देखिए, 4.76 लिख दिया, अब
जिसको उठाना है वो कितना है, सिक्स, सिक्स क्या है ग्रेटर देन फाइव, जब सिक्स ग्रेटर देन फाइव है तो क्या होगा, सिक्स ग्रेटर देन फाइव है तो इसको एक से इंक्रीज कर दो, इसको क्या कर दो एक से इंक्रीज कर दो, क्योंकि आपको दिख भी रहा है 76 है, 70 के पास में कि 80 के पास में, 80 के पास में, तो यहां लिखोगे आप 4.8, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा रेज्ड बाय 1, कौन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, ऐसे आप समझ सकते हो, एक बढ़ जाएगा 3.75। अब देखो, अब यहां तो हम किसकी बात कर रहे थे, 5 की, 5 से कम या 5 से ज्यादा, अब कितना आ गया 5 ही आ गया, तो दिक्कत हो गई कि सर 5 आ गया तो अब क्या करें, सही है ना, तो अगर 5 ही आ जाता है तो उस वाले केस में आपको ये देखना होगा कि 5 के आगे, 5 के आगे कोई नॉन जीरो वैल्यू है या फिर जीरो है, फिर से 5 आ गया ठीक है, इसी को उठाना, अगर इसको उठाना आगे देखो, अगर कोई या तो जीरो होगा या फिर कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी, अगर यहां पे कोई नॉन जीरो वैल्यू है सपोज 2 राइट, तो ये क्या है नॉन जीरो वैल्यू है, अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो आप यहां पर इसमें एक इंक्रीज कर दोगे, इसमें क्या कर दोगे इंक्रीज कर दोगे, नॉन जीरो वैल्यू है तो, यानी ये हो जाएगा 3.8, 5 के आगे अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू है तो कितने से रेज हो जाएगा, 1 से रेज हो जाएगा, तो 3.8, यानी हमने लिखा यहां तो 5 इज इक्वल टू 5 ही है, ठीक है ना, और दूसरी बात इसमें क्या देखी हमने, एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, अपने हिसाब से लिख लेना इसको, ठीक है ना, तो नॉन जीरो डिजिट, तो उस वाले केस में इसको कितने से इंक्रीज करते हैं, 1 से राइट। चलिए अब हम बात करें इसकी, इसकी अगर हम बात करें ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ, 5.750, 5.750 इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर देखिए आप, यहां 5 है तो 5 इज इक्वल टू 5 तो आ रहा है, ठीक है ना, हटाने वाले ये क्योंकि हमें तो 2 डिजिट तक देखना है, फिर ये 0 आ गया, आगे क्या नहीं है नॉन जीरो नहीं है, 0 आ गया, सर अब क्या करें, तो 0 आ गया है उस वाले केस में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो आप सेकंड डिजिट देख रहे हो वो इवन है या ऑड है, 5 के जस्ट पास वाला लेफ्ट साइड में ये जो है वो इवन है या फिर ऑड है, ठीक है, ये तो हम देख भी सकते हैं, जैसे ये क्या है यहां पे, ये यहां पर क्या है ओड नंबर है, क्या है ये ओड नंबर, अगर ये ओड नंबर है तो इसमें क्या कर दो एक इंक्रीज कर दो, इसमें क्या कर दो एक इंक्रीज, 5.8, अगर ये क्या है ओड नंबर है, सही है ना, तो ये देखो वैसे भी 750 हो रहा है तो 800 पे चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये इस वाले केस में अगर ये ऑड नंबर है तो 5.8 लिखोगे, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये रूल क्या हुआ, इफ ऑड, कौन सा है ऑड, इसकी बात हो रही, ध्यान रखना, ऑड देन रेज्ड बाय 1, क्लियर, और अगर ये इवन होता जैसे मैंने इसमें लिख रखा है कि ये 6 क्या है इवन, राइट, अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करना है, अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करना है, तो इसका मतलब हुआ 5.6, इफ इवन नो चेंज, इफ इवन नो चेंज, सही है, जैसे इसमें कोई चेंज नहीं किया था, इसमें एक इंक्रीज किया था, तो ये इसके क्या हो गए रूल्स हो गए, किसके रूल्स हो गए भाई, तो आंसर है किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो उसका तरीका ये रहेगा, ठीक है, इसको आप फटाफट लिख ले, पूरा पॉज कर ले और लिख ले, तो
तो नेक्स्ट जो है हम लोग ले रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। ये क्या मतलब हुआ? देखिए जब भी हम फिजिक्स में कोई मेजरमेंट करेंगे तो उसमें हमें कैलकुलेशन करनी होती है, चाहे वो एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीजन करना हो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो उस वाले केस में जो रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो एडिशन से मिले चाहे मल्टीप्लिकेशन से मिले, जो भी हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट जो है उसको कैसे लिखते हैं, उस रिजल्ट को लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है ना, वो किसमें आता है, कैलकुलेशन में। अब जो रिजल्ट आएगा उसकी एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? तो आंसर है जिन चीजों को हम लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में देख रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उन सब में जो लीस्ट होगा, उनमें सब में जो लीस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक्यूरेसी आने वाली है, ठीक है। उससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आ सकती क्योंकि आप जिन चीजों को ऐड कर रहे हो उनमें कितनी एक्यूरेसी है उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, रिजल्ट में एक्यूरेसी आती है, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को मैं यहां पे देखना है। वो जो रूल्स हैं, पहले मैं ये दो रूल्स एक साथ दे रहा हूं और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिविजन का रूल्स अलग से। पहला रूल हम लेके आ रहे हैं आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या है वो पूरी थ्योरी में यहां नहीं लिखने वाला हूं, तुम्हें शॉर्ट में बताने वाला हूं, उसी को समझो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है वो जरा देखिए। देखो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए तुम्हारे पास लिखा हुआ है 33.3, राइट, और इसमें आपको ऐड करना है 1.21, कुछ भी 1.21 आपको ऐड करना है, तो एडिशन करने वाले हैं। अब जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। वो जो रिजल्ट मिलेगा उसको लिखने का तरीका होगा लीस्ट डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस, ध्यान देना दशमलव के आगे का जो पॉइंट्स होगा वो सबसे कम किस में होंगे उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। मैं यहां सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोल रहा हूं, यहां सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, क्या देखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस, पॉइंट के आगे जितने अंक होंगे उनमें सबसे कम अंक जो होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, रिजल्ट लिखा जाएगा। इसका मीनिंग समझाता हूं, देखो इन दोनों को ऐड करना है, हमने क्या किया, सिंपली देखिए 33.3 लिखा, आप क्या लिखेंगे 1.21, क्लियर, ये आपको ऐड करना है सिंपली। आपने ऐड किया यहां कितना आया 1, ये कितना आया 5.43, ये आया 34.51, कुछ भी हमने लिखा 34.51। अब क्या ये जो रिजल्ट है ये राइट है या फिर रॉन्ग है, तो हमें इस चीज को देखना है कि ये रिजल्ट सही है या फिर गलत है, क्योंकि अगर यहां पे छोटा सा मिस्टेक हो गया कि आगे की कैलकुलेशन अगर हम करेंगे किसी भी वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तो वो तो रॉन्ग होने वाली है, ठीक है ना। इसलिए इसी को यहां पे चेक करना पड़ेगा कि ये जो है वो सही नहीं है, ये क्या नहीं है, सही नहीं है। तो सही करने का रूल क्या है कि रिजल्ट किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लीस्ट डेसिमल प्लेस। जरा इसको देखिए, इसमें कितने डेसिमल हैं 1, इसमें कितने डेसिमल है मतलब पॉइंट क्या कितने डिजिट से 2, राइट, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें कितना है 1 डिजिट है, लीस्ट किसमें है इसमें, ये तो हुआ लीस्ट डेसिमल प्लेस, कितना है इसमें 1, जबकि इसमें कितना है 2। रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग पर लिखा जाएगा, लीस्ट के अकॉर्डिंग, यानी आपको केवल इस पॉइंट के आगे केवल एक अंक होना चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए। तो इसके आगे अगर एक डिजिट होनी चाहिए तो इसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, इसको क्या कर लो, राउंडिंग, राउंड ऑफ करो, राइट। अब राउंड ऑफ करने के लिए मेरे पास 1, 2, 3 ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 से क्या है कम, वो 5 से क्या है कम, तो कैसे में चेंज होगा नहीं, ठीक है। वैसे तुम्हें दिखा 51 51 है तो 50 के पास आएगा, ठीक है ना। तो अगर एक से कम है, 5 से कम है एक, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता, अभी हमने रूल पढ़ा है। तो यहां हम इसको लिखेंगे
34.5। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर आपको वन डिजिट लिखना है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ने का रूल तो होता है ना, ठीक है ना। तो वो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं, तो 5 से अगर कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। 34.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात? ओके, तो इस टाइप से आपको कुछ भी दे दे ये आप कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मैंने लिखा 28.53, ठीक है, इसमें से मैंने बोला 22.10 या मैंने लिख दिया इसको 322.1, कुछ भी लिखा, और मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको तो यहां तक कितना लिखूंगा 3, राइट, यहां कितना लिखूंगा 4, ये कितना आएगा पॉइंट, ये कितना आएगा 6, और ये कितना होगा 0, ठीक है, कितना आया 6.43। जीरो है तो ये प्रीसीडिंग जीरो है, इनिशियल जीरो है, वैसे भी सिग्निफिकेंट में नहीं आता, ठीक है ना। तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो है आप क्या करने वाले हो, तो आंसर है यहां पर 1, 2, 3, बट हमें देखना क्या होता है, लीस्ट डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस कहां है, 1, ये तो कितने है 2, और ये कितना है, यानी इसके आगे केवल एक ही अंक होना चाहिए। तो इसको आप क्या करोगे, फिर राउंड ऑफ करोगे, जब इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 3 को हटाओगे, 3 क्या है, लेस देन 5, इट मींस देयर इज नो चेंज, कितना आया 6.4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लीकेशन, इसको आप लिख लीजिए फटाफट, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, और मिटा के मैं लिखने वाला हूं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। तो नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसका रूल हमारा क्या रहेगा। तो देखिए इसमें अभी इससे पहले वाला जो था उसमें हम रिजल्ट को क्या देख रहे थे, रिजल्ट, रिजल्ट में आप देख रहे थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देख रहे थे, क्या देख रहे थे, तो आप देख रहे थे डेसिमल प्लेस्ड वैल्यू, राइट। यहां क्या देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर बोल सकता हूं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखने के लिए सॉल्व करके देखते हैं, कुछ भी हमने लिखा 1.1 into 1.1 लिखा, 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 121 होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है 1.21 आता है। अगर 1.21 आता है तो यहां हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहां है इन दोनों में, तो इसमें भी 2 है सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें भी कितने हैं, 2 ही है, तो लीस्ट हमारा यहां कितना हुआ, 2 ही हुआ, वो 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं है। तो यहां इस रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट कितने होने चाहिए, 2, ध्यान देना सिग्निफिकेंट 2 होने चाहिए, उसमें क्या देख रहे थे डेसिमल प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट 2 होना चाहिए, मतलब वह 1 और 2, इसको हटाना है, तो 1 को हटाएंगे तो 1 क्या है, 5 से लेस है, तो 1.2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऐसे ही अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं नंबर 2, मान लीजिए ऐसा है कुछ हमारे पास 142.06, ठीक है, और इसको बोला गया है क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.23 से, इसको आप सॉल्व करोगे, मैं आपको डायरेक्ट देता हूं 32.6738,
ये आपका आंसर होने वाला है। अब इसका आंसर क्या होगा ये हमें समझना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, खुद करके देख लीजिए। इसको हमने सॉल्व किया, क्या ये राइट है, तो राउंड ऑफ लिखना पड़ेगा। तो इसका जब आप राउंड ऑफ लिखोगे, राउंड ऑफ उस वाले केस में क्या देखोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस में है, देखिएगा 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्यों जीरो को लेना होगा, क्यों लेना होगा, क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहां देखिए ये क्या है, इनिशियल जीरो जिसको हम काउंट नहीं करते, तो इसमें किसमें सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब यही हमारे क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये जो आंसर होगा वो कितने डिजिट तक है, कितने तक होगा, 2 तक। कितने तक होगा भाई, 2 तक होने वाला है, यानी 1 2 ये सब हटने वाले, ये तो होगा, यानी 6 को हटाना पड़ेगा आपको। 6 हटाओगे तो हटाने वाली चीज 5 से क्या है, ज्यादा है, 5 से क्या है, ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर इसका राउंड ऑफ क्या आएगा, 33। इससे पहले वाले में क्या करते हम एक ऐड कर देते, तो कितना होगा, 33। बस ये इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको कितने तक लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट तक लिखना है। दिस इज योर राइट आंसर, ओके। और ये रूल किसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन के रूल अप्लाई कर सकते हैं, सेम टू सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए। जैसे हमने लिखा है क्वेश्चन, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 0.90 में डिवाइड कर रहा हूं मैं 4.26 का। इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है ये, मान लो इसको सॉल्व किया ये आंसर है। अब इसको आप किसकी फॉर्म में लिखने वाले हो, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देखने वाले हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट किस में आ रहा है, देखिए इसमें है कि इसमें, ऊपर वाले 0.90 कितने सिग्निफिकेंट है, 2। कितने सिग्निफिकेंट है, 2। इसको हम अप्लाई करते नहीं है, इसको हम कंसीडर करते हैं, तो 90 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट का मतलब इसमें भी क्या होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब 0.21, क्योंकि आगे 1 हटेगा जो लेस देन 5 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये तो होगा नहीं सिग्निफिकेंट, और ये हो गया 2 और 1, कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 2, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने आ गए, 2। क्लियर होगी ना बात। तो इस टाइप से जो है हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, ये बहुत इजी लगता है, बट है भी इजी, बट कुछ कंफ्यूजन होते हैं उनको आप दूर कर लें, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एरर